फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर में आज देर शाम जमकर बवाल हंगामा तोड़फोड़ की घटना हुई। दरअसल सस्पेंडेड कोविड मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई बवालियों को हिरासत में ली। हंगामा तोड़फोड़ की तस्वीर है फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर, जहां एक कोविड सस्पेंडेड मरीज की मौत के बाद इस कदर अराजकता और गुंडाई का खेल खेला गया। आपको बता दें कि 2 मई को टुंडला निवासी अनिल कुमार को 60% ऑक्सीजन लेवल पर भर्ती किया गया था, जो आज बुधवार को इलाज के दौरान जिनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। गुस्साए परिजनों को बवाल करीब 20 से 25 मिनट चला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बवालियों को लाठी लेकर खदेड़ दिया। इस दौरान कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। गुस्साए परिजनों ने गेट पर लगे फायर सिलेंडर लेकर अस्पताल में जमकर बवाल किया, तोड़फोड़ की गई। इस घटना से अस्पताल में डर का माहौल बना हुआ है। घटना को लेकर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। अरे क्या घटना हुई है यहाँ पे? अभी ऐसा है, अब तक ठीक है, दोपहर भी चार आ थी, फिर शाम के टाइम ये सब आए तो थोड़ा घबरा रहे हैं। तो कंपाउंड में थोड़ा इंजेक्शन ही दो लगाए थे, तब से ही थोड़ी जोश ही सा होने लगे और एकदम मूड ठीक हो गए। कब से भर्ती थे यहाँ पे? कब से भर्ती थे? चार दिन हो गए, पाँचवा दिन है। कहाँ के रहने वाले थे? क्या नाम था इनका? क्या नाम है इनका? नाम था इनका। तो अचानक क्या मानते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन चल रही थी इनके, सब कुछ सही था। तो उन्होंने कहा घबरा से अचानक इंजेक्शन लगाने से हालत बिगड़ी। इंजेक्शन लगाया एक दो, तब से एकदम गिरते चले गए, फिर बोलते बंद हो गए सब कुछ। आपका क्या मानना, क्या लगता है? इंजेक्शन से ही कुछ हुआ है क्या? 3-4 दिन का इंजेक्शन लगाया है कोई? सुबह शाम की दो चल रही थी जो ये इंजेक्शन की, वो बहुत अलग थी। अभी लगाया था कोई और ने, घबराने का कुछ भी लगाया होगा तो उसके लगाने से हुआ है, और पहले लगाया नहीं कभी हमने। ठीक, थैंक यू। पेशेंट आया था, क्या हुआ? टुंडला के आए थे 2 तारीख को सुबह 10:30 बजे, और ये जब आए थे उस समय उनकी 60% ऑक्सीजन थी बॉडी में, इलाज इनका चल रहा था। इलाज के दौरान अभी मृत्यु हो गई, तो परिजनों ने थोड़ा सा आक्रोश प्रकट किया है, जिसके कारण आप लोगों के सामने ये घटनाक्रम। फिर मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी लोग संयम रखें, और ये महामारी है, इसमें आपके सहयोग से संयम रखते हुए काम लें और समय से अस्पताल में मरीज को तोड़फोड़ की गई है जिस तरह से गिरने के बाद जो है मरीज को संभाल पाना मुश्किल होता है, समय से लेकर तोड़फोड़ की गई है, शीशे वगैरह तोड़े गए हैं, स्टाफ के साथ में मारपीट वगैरह की गई है, आपके सामने है जो चीज़ है, तो हुई है